चलिए ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की आज का बड़ा सुनवाई, व्यास जी के तहखाने को सील करने की मांग की गई है। 15 दिन तक व्यास जी तहखाना सील करने की मांग यहां पर मुस्लिम पक्ष लगातार कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष की आपत्ति भी देखने को मिली है। वाराणसी कोर्ट में आज इसी को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ दलीलें रहने वाली हैं इस पर सभी की निगाहें। और बता दें कि व्यास जी के तहखाने को सील करने की मांग दरअसल मुस्लिम पक्ष कर रहा है और यहां पर यह कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि 15 दिन तक व्यास जी का तहखाना कहीं ना कहीं सील किया जाए जब तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष की आपत्ति भी देखने को मिली है। तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने को खोलने का आदेश दिया था, वहां पर पूजा पाठ करने का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां पर पूजा पाठ रात से ही शुरू हो गई थी। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वापस हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में प्रयागराज में इसकी सुनवाई भी हुई और लगातार सुनवाई जारी भी है। और अब 15 दिन तक व्यास जी के तहखाने को सील करने की मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष के द्वारा की जा रही है। राजू श्रीवास्तव हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजू, कहीं ना कहीं ये एक बहुत जो मामला है वो पेचीदा होता चला जा रहा है और एक बार फिर से व्यास जी के तहखाने को 15 दिन तक सील करने की मांग की जा रही है। जी, लगातार मुस्लिम पक्ष इस आदेश के बाद जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने खोलने के आदेश मिले उसके बाद से लगातार मुस्लिम पक्ष विरोध करता नजर आया है। यही वजह है कि अब उसने लास्ट दाव खेला है कि एक बार 15 दिन का स्टे दे दिया जाए, व्यास जी के तहखाने को स्टे कर दिया जाए कि ताकि वो अपनी बात को पूरी तरीके से रख सके साक्ष्यों के साथ। इसके लिए उसने मांग की है। फिलहाल अब इस पे सुनवाई आज होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेती है, स्टे करती है या स्टे को खारिज कर, स्टे की मांग को खारिज कर देती है। जी राजू, लेकिन क्या वो पैमाने रहने वाले हैं या फिर सीधे कहे तो क्या वो दलीलें रहने वाली जिसके आधार पर कहीं ना कहीं ये मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है? देखिए, मुस्लिम पक्ष पुराने कुछ आदेशों को लेकर बात कहने वाला है जिसको लेकर उसने 15 दिन का वक्त मांगा है कि 15 दिन के लिए उस तहखाने को जो खोला गया है उसको स्टे कर दिया जाए कि ताकि 15 दिन में साक्ष्य सबूत के साथ वो न्यायालय में अपनी बात को रख सके कि ताकि जो व्यास जी का तहखाना खुला है उस पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए उसने 15 दिन की जंग की हलफनामा जो दिया है जिसमें अपनी बात कही है उसमें ये कहा गया है कि 15 दिन के लिए फिलहाल क्यंकी व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ और सारी चीजों पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो आदेश जिला जज की कोर्ट से हुआ है तो उस आदेश के बाद इस एप्लीकेशन को माना जाता है या खारिज कर दिया जाता है। अब ठीक है राजू, नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से लगातार मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है और